आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। जेपी पावर में आज हमें बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट लगाया, जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी हुई, वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो उसके पीछे वजह क्या है, इतनी शानदार तेजी के बनने की वजह क्या, और ये क्या तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में ऐसी ही तेजी जारी रहने वाली है? क्या स्पेशली छोटा पेनी स्टॉक जेपी पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जिस तरह से पिछली तेजी में ये स्टॉक लगातार दौड़ा था, क्या वैसे ही फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी आने वाले समय अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी, रिजल्ट की कैसी संभावना रह सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पर काम करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है इंडिया का बड़ा, साथ में सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी कंपनी कर रही है। तो ऐसे में इसका पोर्टफोलियो मजबूत है, इनके पास खुद की इनकी कोल माइंस भी है। तो ऐसे में क्या इस जेपी पावर के छोटे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना घराना है और ये कंपनी इनकी फिलहाल अच्छा खासा रिवेन्यू अर्न कर रही है, तो क्या निवेश किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 6.50 पर, लो बना 6.35 का और आई है 7 का, यानी 10% का अपर सर्किट लगा। आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई थी, सर्किट की लिमिट अगर 20% की होती तो यहाँ पे 20% तक तेजी की संभावना बन सकती थी। आज वॉल्यूम को देखें तो BSE में 1,51,57,000 का वॉल्यूम, सामने 63,86,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 42% है। बात अगर हम NSE की करें तो यहाँ पे 2,36,39,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,14,80,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 48.56% है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम में 3 गुना उछाल है, बहुत ही ज़बरदस्त आज खरीदारी हुई है। और ये खरीदारी किसने की वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरकार जल्द ही पावर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म लाने वाली है, सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। जल्द ही यहाँ पे आपको बहुत सारा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह से लगातार बहुत सारा कर्ज हो रहा है डिस्कॉम के ऊपर, वो चुका नहीं पा रहे टाइम पे, और इस वजह से बिजली कंपनियाँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कंपनियाँ, उनके ऊपर बहुत सारा वो कर्ज डिस्कॉम लेके बैठे हुए हैं और वो समय पर चुका नहीं पा रहे, और इस वजह से आने वाले समय में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है इन कंपनियों को। लगातार कंपनियाँ लॉस में भी जा रही है, तो सरकार इस सेक्टर में अब रिफॉर्म लाने जा रही है और आने वाले समय में जो उनका जो डेट है उस डेट को कम करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस का जो तरीका है बदला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। एक तरह से देखें तो जो प्रॉब्लम होती है डिस्कॉम की, जो पुरानी व्यवस्था है, वो सारी की सारी बिजलियाँ चोरी होती है, बहुत जगह पे बिजली लीकेज होती है और इस वजह से उनको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी हेल्प दी जाने वाली है, उनको राहत दी जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले जो स्कीम लॉन्च की है, यहाँ पे आने वाले समय में इस स्कीम के तहत ग्रीन एनर्जी को भी प्रमोट किया जाएगा, साथ में डिस्कॉम के लिए एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। डिस्कॉम के डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करना है, साथ में एक तरह से उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, हर तरह से जो भी प्रॉब्लम हो उसको क्लियर किया जाएगा, साथ में ग्रीन एनर्जी को भी साथ में उसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है, यानी 50% का जो यूज होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और 50% जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा। तो कुल मिलाकर इसके लिए जरूरी है कि दोनों सेक्टर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए फिलहाल जितने भी पावर प्लांट है उनको सुचारू रूप से चलाना है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर करीब 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ का कर्ज है, ये बहुत बड़ी रकम है। और आप देख सकते हो कि ये उन कंपनियों को जो उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उन कंपनियों का ये बकाया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने 75,000 करोड़ की जो सब्सिडी दी है, वो उसके बावजूद भी सरकार का 66,000 करोड़ का बड़ा रकम बकाया है। तो कुल मिलाकर इन कंपनियों पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ का कर्ज है और ये कर्ज इनको चुकाना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पे कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वो कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इसीलिए उन्होंने सब स्टेट से ये दरखास्त की है कि वो जितना भी उनका बकाया है वो जल्द से जल्द चुका दे, क्योंकि इस तरह से अगर वो लगातार ड्यू बनाते जाएंगे
तो कंपनियां उनको कैसे बिजली देगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कई स्टेट को बिजली मिल नहीं पा रही थी समय पे, उसके पीछे वजह यही थी कि काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। और इसीलिए सब स्टेट से कहा गया है कि अपना जितना भी ड्यू है उसको जल्द से जल्द चुकाया जाए, जो भी रास्ते, सरकार भी हेल्प करने को तैयार है। तो कुल मिला के आने वाले समय में पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसको सरकार ने अच्छे से समझ लिया है और उसके लिए रास्ते निकालने भी शुरू कर दिए। और इसीलिए जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनमें आने वाले समय में शानदार तेज़ी आने वाली है। तो ऐसे में जेपी पावर भी आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आज इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डील हुई है, आप देख सकते हो कि 2:47 पर 6.90 की प्राइस से यहाँ पे 37,64,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से शेयर खरीदे गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2:49 पर 7 की प्राइस से 27,90,000 शेयरों की एक और डील हुई और इस डील के माध्यम से माल खरीदा गया। फिर उसी समय यानी 2:49 पर 7 की प्राइस से ही 26,83,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और इसमें भी माल खरीदा गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी डील हुई ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी है। ये बड़े फंड हाउस कौन है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर पहले डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 26.02% थी दिसंबर में, मार्च में आपको 24% होती हुई दिखाई दी। ये जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई इसके पीछे वजह ये थी कि प्रमोटर ने अपने शेयरों को बेच के जो रकम आई उससे अपने कर्ज को चुकाया, एक ईमानदार पहल की गई है। फिलहाल अनचेंज है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 87.30% के शेयर गिरवी थे दिसंबर में, 94.63% में मार्च में, फिलहाल अनचेंज है। तो लगभग पूरे शेयर गिरवी रखे हुए और इसके पीछे वजह है ऑलरेडी डिस्कस की कंपनियों को समय पे उनका जो भी बिजली का बिल बकाया है उन्हें डिस्काउंट के ऊपर वो मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से कंपनियां बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही है। बात अब FII की करें तो दिसंबर में 1.02% की होल्डिंग थी, मार्च में वो बढ़कर 1.20% हो गई और इस बार तो कमाल ही हो गया। FII की होल्डिंग 2.83% बढ़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हो कि FII फिर से फुल फॉर्म में लौट आए यहाँ पे जेपी पावर में। और आज जिस तरह से ये डील हुई है ये इशारा है कि FII ने यहाँ पे खरीदारी की है, क्योंकि ऑलरेडी FII बाज़ार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके, तो वैसी ही फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी जैसे पिछले दिनों FII खरीदारी कर रहे थे और स्टॉक तेज़ी से आगे भाग रहे थे, फिर जैसे ही उनकी बिकवाली शुरू हुई स्टॉक नीचे आया, फिर से माहौल वही बनने लगा है खरीदारी का। तो अब यहाँ पे एंट्री का मौका बनता है, जल्दी आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, लगता है इस बार ये कंपनी नई हाई बना सकती है। DII की बात करें तो 23.28% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 23.12 हुई, मामूली घटी लगी, इस बार अनचेंज है। तो DII ने भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। अदर्स की बात करें तो 49.68% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 51.68% की होल्डिंग, फिलहाल 50.05% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, ये आप साफ देख सकते हो। तो जनरल पब्लिक को ज़्यादा डरा दिया जाता है, उनको लगता है कि पेनी स्टॉक में हमेशा नुकसान होगा। आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे अपनी सिर्फ होल्डिंग जो घटी है वो जनरल पब्लिक की, जबकि यहाँ पे FII ने अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त बढ़ाया और DII ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। तो इसमें डरे नहीं और निवेश को करें, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले दो दिन से जहाँ पे हम ट्रेडिंग सेशन में देखे तो लगातार FII की खरीदारी हो रही है। पिछले कई दिनों के बाद शानदार खरीदारी शुरू कर चुके, 28 जुलाई को उन्होंने 1,637 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 29 जुलाई को 1,046 करोड़ का नया निवेश किया और ये उनका निवेश आ रहा है ऐसे ही छोटे पेनी स्टॉक में, जिसमें आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, ये आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं क्योंकि FII यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 8% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 300% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 42% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 5.41% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से लगभग 9.38% की तेजी और 1 डे के हिसाब से भी सेम वही 10% की तेजी। तो आप देख सकते हो इस बड़ी गिरावट के दौर में अभी स्टॉक मात्र 5% ही आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें, स्टॉक जल्दी तेज़ी से आगे भाग सकता है। और अब Q1 भी जल्दी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम इसके Q1 के पहले अगर Q4 की बात करें तो कंपनी आप जान सकते हो कि जयप्रकाश पावर 1994 की बनी हुई कंपनी है, इसका मार्केट कैप 4,797 करोड़ का है। अब बात करें Q4 की तो कंपनी की टोटल इनकम 1,531 करोड़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 5.44% की तेज़ी देखने को मिली, ज़्यादा पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर थ्री में इनकी टोटल इनकम 1,452 करोड़ थी और 44.09% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,063 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -2.27 करोड़ का बताया। तो पिछली बार को इनको थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा Q3 में काफ़ी शानदार प्रॉफिट था। ये लॉस के पीछे वजह भी ये थी कि कोयले की प्राइस बढ़ गई थी और इस वजह से इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ा और इस वजह से थोड़ा सा लॉस दिखाई दिया। लेकिन अगर आप देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें, इन्वेस्टमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 4 स्टार मिल रहे, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से
से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार पूरे मिल रहे हैं, इसका मतलब अब यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी की शुरुआत हो सकती है। प्राइस स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्टार में से इसको 3 स्टार मिल रहे हैं, ग्रुप रैंक में 5 स्टार में से 2 रैंक है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे इसके स्टार मिल रहे हैं, रेटिंग अच्छी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल लेवल भी बाय की कॉल दे रहे, तो निवेश किया जा सकता है। और अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय निकल के आ रही है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें न्यूट्रल है, और ट्रेंड ऑस्किलेटर की बात करें न्यूट्रल बन रहा है। वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है, तो टेक्निकल लेवल भी पॉजिटिव बन चुके हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 6.18 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 5.97 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 5.78 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बने पे 6.58 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको पार करते ही 6.77 तक स्टॉक जाएगा और उससे ऊपर गया तो 6.98 तक जा सकता है। आप देख सकते हो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आज ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और तेजी से आगे जा सकता है। तो निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है, लेकिन लिमिटेड निवेश करें क्योंकि पेनी स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।